आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। माउंट कार्मेल स्कूल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों को शेल्टर होम के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है मूलभूत सुविधाएं। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव व इसके रोकथाम हेतु पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। उपायुक्त के निर्देश अनुसार जिला अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों में से एक और मांझी प्रखंड के माउंट कार्मेल स्कूल में शेल्टर होम्स का गठन किया गया है। इन जगहों पर वैसे लोग जो किसी अन्य राज्य के हैं और लॉकडाउन की अवधि के दौरान और मांझी प्रखंड में फंस गए हैं, उनको सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं जैसे भोजन, राशन, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। तरफ से बोलेगा तो हमारे प्रधानमंत्री श्री ने जो अच्छा डिसीशन लिया ताकि उसने राज्य के बारे में अच्छा सोच, उनका सोच बहुत बड़ा है ताकि हर एक नागरिक सुरक्षित रहने के लिए वो चाहते हैं। और हमने प्रधानमंत्री और सरकार की ओर आभारी हूँ क्योंकि उसने सारे नागरिकों को ध्यान रखते हैं क्या लगता है। और हम लोग भी अपने तरफ से प्रधानमंत्री और सरकार की जितना हम लोग से मदद कर सकता है क्योंकि हम सोचते हैं ईश्वर की सेवा मनुष्य की सेवा है क्योंकि हम ईश्वर को देख नहीं पाएगा। जितना हम मनुष्य को सेवा करता है उतना ईश्वर को सेवा कर सकता है। इसलिए हम लोग भी हम अपना माउंट कार्मेल सोसाइटी के द्वारा स्कूल के द्वारा जितना सेवा करने में राज्य के लिए जो हमारे तरफ से जो मदद कर सकते हैं उतना। अभी जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है माउंट कार्मेल स्कूल, अभी कितना तादाद में बाहर के लोग यहाँ पे आउटसाइडर्स? आउटसाइड इज 40। What all the facilities you are providing them? We are providing them all the three times sufficient food, means the morning breakfast. We are keeping as directive is given from the DC office to keep distance and to be clean our hands now and then whenever we go out. And also all the directives which is given by the DC office or the government officers, we are trying to follow this. And also we instruct people to do the same. What messages you want to give from this mission? You see, in this moment of difficulties, we have to cooperate each other. Until and unless cooperate each other, until and unless we see human being as they are going here and there and spread.